तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं कि जिनको आप लोग अगर खाओ तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों की बॉडी में कैल्शियम वगैरह की जो भी कमी रहती है वो बड़ी आसानी के साथ में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रिकी और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें। चलो भाई दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कोई भी महिला रहती है उसको जरूरत से ज्यादा कैल्शियम वगैरह की जरूरत होती है क्योंकि उसकी बॉडी के लिए तो कैल्शियम जरूरी रहता ही है, साथ में ही उसके पेट में जो भी बच्चा वगैरह पलता होता है उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम वगैरह बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से ऐसे फल वगैरह रहते हैं जो कि लेडीजों को खाने चाहिए जिससे कि उनको 101% जो फायदा वगैरह मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो पहला फल रहता है वो होता है कीवी। कीवी अगर आप लोग खाते हो तो इसमें कैल्शियम की बहुत ही अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है आप लोगों को, जिसकी वजह से आपके पेट में जो भी भ्रूण वगैरह पलता है उसके विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नंबर दूसरी जो चीज रहती है इसके अंदर वो रहता है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी की मात्रा काफी अच्छी रहती है जो कि लेडीजों की बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, छोटी मोटी बीमारियों से उनकी बॉडी वैसे ही हैंडल कर लेती है। और इसके अंदर दोस्तों प्लेटलेट्स जो रहती है उन चीजों को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा रहता है, जो लेडीजों की बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उन चीजों को बहुत ही आसानी के साथ में बढ़ा देता है। और प्लेट्स का लेवल अगर उन लोगों का ओके रहेगा तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को कोई भी ऐसी वैसी दिक्कत होने वाली नहीं रहती। अब यहाँ पे नंबर दो पे जो हमारा फल आता है उसका नाम रहता है दोस्तों सूखे हुए अंजीर। अगर आप लोग सूखे हुए अंजीर वगैरह खाते हो तो इसमें कैल्शियम की आप लोगों को बहुत ही अच्छी मात्रा मिल जाती है जो कि आपकी बॉडी के विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, साथ में ही बच्चे के भी डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा रहता है। और इसके अलावा अगर बात करें इसमें तो दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो तत्व रहता है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसकी मदद से ये रहता है दिल से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती है उस चीज में काफी अच्छा रहता है। दिल को आपको जो भी दिल वगैरह रहता है आपका उस चीज को काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा मजबूत बना देता है। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है हमारे खजूर की। अगर आप लोग खजूर का सेवन करते हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि खजूर में आप लोगों को आयरन हो गया, फोलिक एसिड वगैरह हो गया, ये सारे तत्व तो बड़ी आसानी के साथ में मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम की भी प्रचुर मात्रा रहती है। अगर आप लोग पर डे खजूर वगैरह का सेवन कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कैल्शियम वगैरह की टैबलेट वगैरह लेने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं रहती है। आप लोग इन्हीं सारी चीजों को खा करके अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो और साथ ही साथ बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में बात आती है हमारे सूखे खुबानी की। अगर आप लोग सूखे खुबानी को खाते हो तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मिरेकल रहता है और बहुत ही ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को काम आने वाला होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम तो रहता ही है, साथ ही साथ आप लोगों को इसमें फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम वगैरह मिल जाता है जो कि एक गर्भवती महिला की बॉडी के लिए बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग अपना रूटीन चेकअप वगैरह कराने जाते हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कैल्शियम की गोली हो गया, फोलिक एसिड की गोली हो गया या फिर आयरन वगैरह की गोलियां हो गया वो मिल जाती है पर डे खाने के लिए। तो अगर आप लोग गोलियां वगैरह नहीं खाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इस फल का यूज कर सकते हो और अगर आप लोग इसका यूज करोगे तो आप लोगों को किसी भी दवाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है हमारा शहतूत। अगर आप लोग शहतूत वगैरह का सेवन कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों को कैल्शियम वगैरह की कमी होने के चांसेस नहीं है और बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी के विकास के लिए और जो भी आपके पेट में पल रहा है बच्चा उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप लोग इन सभी फलों का सेवन पर डे आप लोग करने लग जाओ तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ना तो किसी कैल्शियम की गोली की जरूरत पड़ती है, ना ही फोलिक एसिड की गोली की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी आयरन वगैरह की गोली की जरूरत पड़ेगी। पर शर्त यहाँ पे ये है कि आप लोगों को इन सारी चीजों को पर डे सेवन में और रूटीन से सेवन करना है ताकि आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहे और होने वाला जो बच्चा रहता है उसकी बॉडी की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगी, साथ ही साथ उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो यही सारे टिप्स थे प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को कैल्शियम वगैरह की कमी को पूरा करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया ही होगा, वीडियो पसंद आया तो यार ठोको लाइक क्योंकि लाइक तो बनता ही है। और मेरे चैनल पे भूले भटके आ गए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। और दोस्तों दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी ख्याल, कोई भी बवाल हो कमेंट कर देना, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
Some rules.